नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज है संडे और आज मैं निकला हुआ हूँ राइड पे। निकला था 10:30 बजे घर से, और 10:30 बजे घर से निकलने के बाद यार इस वक्त हो रखे हैं 12:30, मतलब 2 घंटे मेरे को हो चुके हैं फील्ड पे। मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है, पर यार काम आज कुछ खास नहीं हुआ। पहली राइड बड़ी जल्दी मिल गई थी, पहली राइड जो ऊबर में मिली थी मेरे को बहुत जल्दी मिल गई थी। उसके बाद मतलब वो राजेंद्र नगर से मेरे को करोल बाग लेके आना था, फिर करोल बाग से एक राइड मेरे को मिली बोर्जो की जो कि नारायणा गया। उसके बाद यार 2 घंटे में मुझे फिर एक ही राइड मिली, मतलब ईस्ट पटेल नगर से, नारायणा से ईस्ट पटेल नगर तक मैं खाली आया, और ईस्ट पटेल नगर से करोल बाग तक मुझे रामजस रोड तक मुझे एक राइड मिली थी ऊबर पे। तो कुल मिला के अभी तक एक सेकेंड यार राइड आ रही है, कुल मिला के मेरे को अभी तक सिर्फ 3 राइड मिली हैं, 2 ऊबर की और 1 बोर्जो की। ऐसा नहीं है कि राइड नहीं आ रही हो, राइड आ रही हैं, खूब राइड आ रही हैं, पर लंबी लंबी आ रही हैं और ऐसे ऐसे एरिए की आ रही है जहाँ यार नहीं जाया जाएगा, इतनी भीड़ भाड़ वाले एरिया में। जैसे अभी एक नई दिल्ली की आई थी वो मुझे नहीं चाहिए थी, एक आनंद पर्वत से एक बंदे को उठाना था नहीं, तो ऐसे ही लंबी लंबी या फिर ऐसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में जब ऊबर यार लिमिटेड वो दे रहा है, मतलब कह लीजिए कि किलोमीटर लिमिटेड दे रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता इस तरीके से वीडियो, मतलब इस तरीके से अलग अलग मतलब टफ एरिया की राइड एक्सेप्ट करने का, ठीक है ना। तो फिर हम अपने हिसाब से करेंगे। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं आगे। सो भाई 5 राइड टोटल हो चुकी है अभी तक, 4 ऊबर की और 1 की है बोर्जो की। ऊबर की यार एक बड़ी ख़ास बात है, साला पैकेज जब भी डिलीवर करते हैं ना एक पैसे फालतू नहीं देता है। दोस्तों इस टाइम टाइम हो रखा है 2:10, फर्स्ट क्वेस्ट अब पूरा हुआ है, 5 राइड कंप्लीट हो गए, अब सेकंड क्वेस्ट में लग चुका हूँ ऊबर के। खड़ा हूँ इस वक्त किशनगंज में, राजेंद्र नगर से एक राइड लेके आया था। साला आने में इतनी हालत ख़राब हो गई ना, रास्ते में इतना ट्रैफिक और ऊपर से साले कंजर बैटरी रिक्शा वाले, भाई साहब कहाँ से निकलते हैं कहाँ रुक जाते हैं, बीच रोड पे साले एकदम से ब्रेक मार देते हैं, कैसे मुड़ते हैं, इनका तो सालों का राम ही मालिक है, और इनकी वजह से कंजरों की वजह से कितनों के चोट लगती है। भाई ऊबर के 2 क्विज तो कंप्लीट हो गए हैं, इस वक्त मैं खड़ा हूँ करोल बाग के अंदर, और अभी एक सवारी मैं यहाँ से करोल बाग से पटेल नगर लेके आया था, और पटेल नगर से अब वापस करोल बाग लेके आया हूँ, और उसी जगह पे आके खड़ा हो गया हूँ। तो 2 क्वेस्ट तो कंप्लीट हो गए हैं ऊबर के, और अब वेट कर रहा हूँ भाई अब अगले क्वेस्ट के लिए रेडी हूँ। 1 राइड हो चुकी है करोल बाग से नारायणा लेके आया हूँ एक पार्सल, और अब नारायणा के इंडस्ट्रियल एरिया में खड़ा हूँ, ये देखो है ना नारायणा का इंडस्ट्रियल एरिया है। वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे अब कितनी देर में कोई राइड या फिर पैकेज वगैरह कुछ मिल जाए ऊबर का। अभी मेरे को 6 राइड्स और करनी है और टाइम करीबन 4:30 रखा है अगर मेरे को आज का पूरा इंसेंटिव लेना है तो। भाई पूरा 1 घंटा हो गया है जब मैंने लास्ट राइड अपनी कंप्लीट की थी ऊबर पर, करोल बाग से नारायणा लेके आया था मैं, और उसके बाद 1 घंटे से मेरे को कोई भी राइड नहीं मिली है। आज ऊबर भी धोखा दे रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी काम नहीं है, पता नहीं संडे का इफेक्ट है या क्या है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ रजौरी गार्डन में, और रजौरी गार्डन से भी ना पैकेज ना राइड कुछ नहीं बज रहे हैं। तो अभी एक आई है, बज रही है चाणक्यपुरी की है, बट मैं जाऊँगा नहीं वहाँ पर। तो अब जाके देखो पूरे 1 घंटे बाद 1 राइड बजी थी, वो भी चाणक्यपुरी की, फिलहाल जाना नहीं है वहाँ पे, छोटी राइड सी देख रहा हूँ मैं कोई मिल जाए तो। बाकी यार आज संडे को लग रहा है कि कह सकते हैं कि संडे इफेक्ट है, तो लोग कम निकल रहे हैं या जा रहे हैं, या फिर गर्मी की वजह से बाहर कम निकल रहे हैं, इस वजह से आज राइड और काम दोनों कम है, ना पार्सल में है और ना राइड में, ना ऊबर पे है ना बोर्डो पे। तो गाइस 4:30 बजे से लेकर अब पूरे 6:30 बज गए हैं, और मुझे ऊबर पे अपने हिसाब की राइड अभी तक नहीं मिली है ठीक ठाक, मतलब ऐसा नहीं है कि राइड्स नहीं आ रही है, आ रही हैं, पर ऐसे एरिया की आ रही है, कभी गुड़गांव की आ रही है, कभी कापसेड़ा की आ रही है, कभी उत्तम नगर की, कभी और आउट एरिया की, मतलब ऐसे एरिया की नहीं आ रही है जहाँ की मुझे चाहिए, और दूर दूर की आ रही है ठीक है। तो आज यार ऊबर ने थोड़ा सा अपने को दे दिया धोखा, और चलो
पूरे दो ही क्वेस्ट हो पाए और तीसरे क्वेस्ट का सिर्फ एक ही राइड कंप्लीट हो पाई, बाकी नहीं हुए। राइड्स काफ़ी हैं ऊबर में। अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप छोटी छोटी राइड्स करोगे तब तो काम नहीं चलेगा, बट अगर मिक्स राइड आप करोगे ना ऊबर में तो आप आराम से अपना हिसाब किताब चला सकते हो ऊबर में। इंसेंटिव भी इसका ठीक ठाक मिलता है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, कि ऊबर के अंदर विदाउट इंसेंटिव कोई फ़ायदा नहीं है काम करने का। मुझे अभी तक यही फील हुआ है, क्योंकि जब आपका इंसेंटिव बनता है तो ठीक ठाक काम हो जाता है, बट अगर इंसेंटिव बनना बंद हो गया ना तो नहीं बनेगा फिर हिसाब किताब ठीक ठाक। बाकी ऊबर में काम है, अच्छा खासा काम है, क्योंकि रीज़न उसका मेन यही है यार। सपोज़ आज के टाइम में ओला ऊबर के ऐप हर किसी के फ़ोन में होते हैं, है ना, और हर किसी के फ़ोन में होने की वजह से क्या है कि लोग मल्टीपल ऐप्स ना रख के सिर्फ एक ही ऐप्स रखते हैं, जिसमें उनको पार्सल डिलीवरी कुरियर का भी हिसाब किताब मिल जाए और टैक्सी का भी उनको हिसाब किताब मिल जाए, बाइक टैक्सी या नॉर्मल टैक्सी या ऑटो। तो ऊबर का एक ऐप है जो इकलौता ये चीज़ दे रहा है, ठीक है। पहले ऊबर ईट्स भी था, पर अब सिर्फ ऊबर के अंदर ही ये सारी चीज़ें हैं। चलो बेटर है दोस्तों, चलते हैं अब अपने घर की तरफ और कल देखते हैं नई राइड्स पे नए दिन की शुरुआत करेंगे। अभी देखो दिन हो रखा है 6:30 बजे और मैं अब निकल रहा हूँ। चलो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं। अगर यहाँ तक आ गए हो तो यार लाइक वाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।